देश में तेजी से बढ़ती महंगाई ने जहां आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है, वहीं विपक्ष कांग्रेस भी अब भाजपा सरकार को घेरने का कोई अवसर नहीं छोड़ रही है। इसी के चलते अशोकनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। अशोकनगर में कांग्रेस द्वारा रैली का आयोजन किया गया। ये रैली में महंगाई एवं भ्रष्टाचार के विरोध में एवं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें आधा दर्जन कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली शहर के मुख्य चौराहों जैसे रसीला चौराहा, गांधी पार्क, सुराणा चौराहा पर घूमते हुए गांधी पार्क पर समापन हुआ एवं पेट्रोल डीजल की महंगाई एवं सरकार की नीतियों के खिलाफ नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कृपया कर हाथ जोड़ कर निवेदन है कि सभी लोग पीछे आ जाएं। आगे चल रहे सभी साथी पीछे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों आप देख रहे हैं महंगाई के नाम पर जिस तरीके से मैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का एक सदस्य हूं और हम लोगों ने कांग्रेसियों ने आज गांधी पार्क पे एकत्र होकर के कांग्रेस का धरना प्रदर्शन किया और रैली निकाली। हम पूरे कांग्रेस विरोध कर रही है। तो महंगा या टंकी देख लीजिए, टंकी क्या रेट चल रही है, तेल देख लीजिए, किसानों का देख लीजिए, भाजपा सरकार भ्रष्ट हो चुकी। बिजली बिल देख लीजिए, जिसके घर में एक का एक बत्ती कनेक्शन है उसका 40-40 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। इतनी भ्रष्ट हो गया भाजपा सरकार। सावन जिलों में बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस खड़ा कर देगी और भाजपा सरकार को बिल्कुल अपने दिखा देंगे क्या कांग्रेस है। कांग्रेस ने धरोहर बनाई थी वो भाजपा सरकार एक करके बेच रही है। वो तो जब भाजपा सरकार हाथ में लगती है तो फौरन आ जाता है उन्हें। और सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार। जिले में जो भ्रष्टाचार को लेके आज ब्लॉक कांग्रेस ने हुंकार रैली का आयोजन किया था, वही एक कार्यक्रम कांग्रेस का था। और दूसरा महंगाई के विरोध में भी था, डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस है। इसके बाद जो खास बात ये और है इसमें, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं लगातार, अभी करकिया में महेंद्र सिंह रघुवंशी जी ने भी इस महंगाई में और कर्ज के बोझ तले दबे होने के कारण, बिजली के बिलों के कारण आत्महत्या कर ली। उनकी फसल चौपट हो गई, उन पर दबाव का खतरा था, उन्हें कुछ नहीं दिखा तो उन्हें आत्महत्या कर ली। इसी प्रकार शाजापुर में भी एक किसान ने और उसकी बेटी ने भी आत्महत्या किए। सरकार की तरफ से कोई भी इन्हें मदद नहीं मिल रही है किसानों को। ऐसे कई मुद्दे थे, उनको लेकर के आज हुंकार रैली का आयोजन कांग्रेस के चालू हैं और अभी 8 दिन में 4 दिन में कर रहे हैं, डेली करेंगे और फिर बैठ ही जाएंगे, धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे, चाहे फिर सरकार जेल में ठूंस दे चाहे जो करे, पर कांग्रेस अब पीछे नहीं होगी। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं के साथ कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार से नियंत्रित करने की मांग की। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का मोदी सरकार पर कितना असर होता है। अशोकनगर से सुशील कुशवाहा की रिपोर्ट।